हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिश ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड द प्रोडक्ट इज़ लैक्मी पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। गाइस, ये ब्लेंडेड है विद पीच एंड मिल्क। इसके नाम से ही पता लगता है कि इसमें पीच एंड मिल्क का एक्सट्रैक्ट है, जो कि स्किन को डीपली नरिश्ड करता है। एंड ये नॉन ग्रेसी फार्मूला है, तो बिल्कुल भी लगाने के बाद ऑयली नहीं लगती है फेस पर। एंड आप देख सकते हैं, ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। जार कंटेनर टाइप इसकी पैकेजिंग है। एंड 50 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। 100 रुपीज़ की MRP है इसकी। 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है, इस पर यहाँ मेंशन है कि ये लाइट क्रीम फॉर्मूला विच सील्स इन मॉइस्चर फॉर 24 आवर्स टू गिव यू सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन। एंड फ्रेंड, ये और भी साइज में अवेलेबल है मार्केट में एंड इजीली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिल जाता है। मैंने भी इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था एंड मैं इसे काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। मुझे काफ़ी पसंद है फॉर डेली यूज़। एंड ये सूटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप पीपल। इसे कोई भी स्किन टाइप के पीपल लगा सकते हैं। ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद फेस पर इचिंग या रफनेस नहीं दिखाई देगी। स्मूथ एंड नरिश हो जाएगी स्किन, और ऑयली फेस वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली फेस वालों को समर में उनके स्किन पर बहुत ऑयल आ जाता है और वो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ढूंढते हैं ताकि उनके फेस पर ऑयलीनेस ना आए, चिपचिपा ना लगे फेस पर। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये उनके स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं देगा, ना ही लगाने के बाद उनके फेस पर ऑयली आएगा। एंड इसे बिगनर एंड टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को। ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर है। एंड फ्रेंड, लैक्मे आप सब जानते ही हैं कि कितना अच्छा ब्रांड है एंड इतने अफोर्डेबल प्राइस पर एक अच्छा मॉइस्चराइज़र दे रही है, तो हमें क्यों ना ट्राई करना चाहिए इसे। तो गाइस, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र क्रीम है ये। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ये आपकी स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्टन बनाने के साथ साथ नरिश्ड भी करता है स्किन को 12 आवर्स तक। एंड लगाने के बाद वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है और पीची सा ग्लो देता है फेस पर। अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से क्रीमी टाइप इसका टेक्सचर है। एंड ये पिंक, लाइट पिंक कलर में है, लाइट वेट है बहुत। एंड स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, फ्रूटी टाइप सी स्मेल है इसकी। और इसका ये देखिए, इस तरह से है। ये देखिए, बहुत इजी ब्लेंड हो जाता है। फ्रेंड, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे मेकअप लगाने से पहले एंड अपने CTM रूटीन में भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। एंड आई मस्ट से दिस वन इज़ द बेस्ट क्रीम फॉर एवरी फेस। तो आपको अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।